अस्सलाम वालेकुम। मैं गुफरान मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम एकता नया सवेरा संगठन। आज कुछ खास मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, भारत में तबरेज अंसारी हत्याकांड को लेकर संघर्ष किया जा रहा है और तबरेज अंसारी के लिए इंसाफ मांगने के लिए सभी धर्मों के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ में जिस तरीके से तबरेज अंसारी के लिए इंसाफ मांगने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की गई है, इससे लगता है कि प्रशासन इंसाफ मांगने वालों की आवाज दबाने के लिए काम कर रही है। जब लोग किसी पर हुई जाति के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करते हैं तो उसमें प्रशासन को यह रवैया नहीं अपनाना चाहिए जो कि प्रशासन ने आगरा में और मेरठ में अपनाने का काम किया है। संघर्ष हक के लिए किया जाता है। अगर कोई दंगा भड़काने के लिए सड़कों पर उतरने का काम कर रहा है उसके खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करे तो सही है। यदि अगर कोई किसी के लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरने का काम कर रहा है, प्रशासन उस पर लाठी चार्ज करने का काम करेगी तो यह सीधा सीधा जुल्म करने का काम प्रशासन कर रही है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। प्रशासन ने जो लाठी चार्ज करने का काम किया है उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का काम करें और तबरेज अंसारी के हथियारों के खिलाफ झारखंड गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। यदि ये घटनाएं अगर बढ़ती रही तो देश कहां पर खड़ा होगा? इस तरह की घटनाओं से हमारे भारत देश की दूसरे देशों में भी बदनामी होने का काम होगा। भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के नाम से जाना जाता है, जिसको मोहब्बत का एक गुलदस्ता कहा जाता है, लेकिन इन घटनाओं ने इस देश को शर्मसार करने का काम कर दिया है और भारत गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने देश में अमन अमान को कायम रखने के लिए, अपने देश के भाईचारे को कायम रखने के लिए, अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए, अपने देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के धर्म को लेकर उस पर अत्याचार किया जाए ये भारत की शान नहीं है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है और भारत के मोहब्बत प्यार को खतरा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ जनपद में जो ये प्रशासन द्वारा जुल्म किया गया है तबरेज अंसारी के लिए इंसाफ मांगने वाले लोगों पर, मुस्लिम एकता नया सवेरा संगठन इसका खंडन करता है और विरोध करता है कि इस घटना को नहीं करना चाहिए था और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता है कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करे, अन्यथा मुस्लिम एकता नया सवेरा संगठन सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करेगा। हम हक और इंसाफ और अपने देश के मोहब्बत प्यार को कायम रखने के लिए, अपने देश की शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए, अपने देश की कानून व्यवस्था को कायम
करने के लिए हम संघर्ष करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये देश हमारा है, हम अपने देश के लिए, हम अपने देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हम अपने देश की मोहब्बत प्यार के लिए हर संभव संघर्ष करने का काम करेंगे। कोई गलत काम करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। प्रशासन अगर लाठी चलाने का काम करेगी तो हम इससे कतई घबराने वाले नहीं है। हक पर खड़े हैं, हक पर जान देना भी जानते हैं। हम मरने से नहीं डरते। हमें जेल में डाल दो, हमें झूठे मुकदमों में फंसा दो, हमें गोली मार दो, इसकी घबराहट नहीं है। यदि भारत के अंदर नाइंसाफी होगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।